बहुत सारे मित्र अक्सर पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड अ गुरु, और इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड अ गुरु, कैसे ढूंढें सही गुरु को। आई एम श्योर आप में से बहुत दोस्तों के भीतर ऐसे प्रश्न आते रहते होंगे, कैसे ढूंढें सही गुरु को। हाँ, इट्स लाइक सेइंग आई एम इन अ प्लेस कॉल्ड धर्मशाला, और मेरे चारों तरफ जंगल है, पहाड़ हैं, और मानसून अपनी अच्छी चरम चरम ऋतु पे है। सो इट्स लाइक सेइंग कि मैं वर्षा को कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं मैं वर्षा को। हाँ, बाहर तो बारिश हो रही है, मैं वर्षा को कैसे ढूंढूं। सो आई थिंक द फाइंडिंग ऑफ अ गुरु और द फिनोमिना टू कनेक्ट विद अ गुरु इज़ अ वेरी हार्ट बेस्ड प्रोसेस। तुम जिस दिन अपना हृदय खोल दोगे, तुम्हें उस दिन गुरु से कनेक्शन फील होने लगेगा। हाँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। द डे यू ओपन द डोर्स ऑफ योर हार्ट, दैट डे यू विल स्टार्ट टू फील अ डीपर कनेक्शन विद द गुरु। एंड एज आई सेड, हु इज़ अ गुरु जो तुम्हें तुम्हारे सत्य की याद दिला दे। तो क्या हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं सिर्फ? एब्सोल्यूटली नॉट। क्या क्या तुम्हें सत्य की याद नहीं दिला सकता? क्या एक पक्षी को उड़ते हुए देख के तुम्हें उस सत्य की याद नहीं आ सकती? आ सकती है। क्या किसी, यू नो, आई एम अ ट्री लवर, मुझे बड़े दरख्त देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अक्सर। और हर एनॉर्मस दरख्त को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीइंग वहाँ बैठ के मुझसे बात कर रही है। हम अक्सर ऑरोविल जाते हैं, तो बहुत एंशियंट बरगद के पेड़ हैं वहाँ पे, मतलब 200 300 400 मीटर तक उनकी जड़ें ऊपर से गिर रही हैं, ह्यूज ट्रीज। और उनको देखकर अक्सर ऐसे मुझे फील होता है कि कोई बीइंग वहाँ से बात कर रही है। इज़ दैट नॉट अ गुरु? यस, दैट टू। बहुत सुंदर गज़ल गाई जगजीत सिंह साहब ने, एक गज़लों का थोड़ा शौक रखता हूँ, तो उसकी एक लाइन जो मुझे ऐसे बहुत प्रिय है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। गज़ल शायर ने लिखा है कि जिस दिन तुम्हारे भीतर सर झुकाने की कला आ गई, उस दिन पत्थर भी देवता बन जाएगा। और हमने इंडिया के कल्चर में, इंडिया के ट्रेडिशन में ऐसा किया, हमने डेवलप की सर झुकाने की कला टू अ ट्री, टू अ पीपल ट्री, टू अ नीम ट्री, टू अ बरगद ट्री, और ये हमारे लिए गुरु हो गए। हमने डेवलप की कैपेसिटी सर झुकाने की टू अ रिवर, और गंगा हमारी माँ हो गई। हमने डेवलप की कैपेसिटी एक पत्थर के आगे सर झुकाने की, और ये पत्थर शिव का रूप हो गए। रामकृष्ण परमहंस ने डेवलप की ये कैपेसिटी सर झुकाने की एक मूर्ति के आगे, एक फॉर्म के आगे, फॉर्म ऑफ काली, और काली गुरु हो गई, जिंदा हो गई काली। रामकृष्ण के अनुभव में बात किया करते थे, खाना खाया करते थे साथ में। इट वॉज अ लिविंग फिनोमिना फॉर हिम, नॉट फॉर यू एंड मी। सो सर झुकाओगे तो पत्थर देवता तो हो जाएगा।